हैं गुड मॉर्निंग विद सभी का ये किचन है और मेरे साथ शेफ रहीला है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो रहीला? मैं ठीक हूं। और कैसे हो? मैं जरा सी बेहतर हुई हूँ थोड़ी सी, तो फिर ठीक। मुझे भी थोड़ा फीवर वगैरह हो गया था और तबीयत वैसी हो गई थी, लेकिन अभी थोड़ा सा बेहतर है। और आज भी वो लोग जो ज़रा बीमार हो जाते हैं उनको ज़्यादा जो है ना हार्ड चीज़ें नहीं खानी चाहिए, जैसे हम लोग अपनी रूटीन में खाते हैं ज़्यादा रोटी और ज़्यादा गोश्त, और हम लोग जैसे रूटीन में बहुत हैवी चीज़ें खाते हैं, लेकिन आज उसके हिसाब से कुछ लोग जो अभी सीज़न वायरल चल रहा है, बुखार हो जाता है और पेट में मरोड़ से पड़ जाते हैं या कोई भी बीमारी ऐसी हो उसमें हल्की ग़ज़ाएँ खानी चाहिए। और आज उसी हिसाब से हम लोगों ने उन सब मरीज़ों के हिसाब से जो है दलिया कि जरा सी डिफरेंट रेसिपी यहाँ पर मेंशन करें, वरना दलिया हमेशा जैसे बॉईल करके दूध में डाल दिया या वो, लेकिन थोड़ा चेंज करते तो मरीज का दिल भी करता है कि खाए। तो आज जी बताएं इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डालेंगे जी। आज सभी जो बना रहे हैं वो वेजिटेबल दलिया है, और वेजिटेबल दलिया क्योंकि बहुत से बच्चे जो है ना नहीं खाते, माए बच्चे क्या बड़े भी नहीं खाते, माए जो है ना वो पता है क्या कहती है, नमक हल्दी दाल ऐड कर बस बच्चों को दे देती है कि दलिया खा लो। तो बिल्कुल चेंज है, आज डिफरेंट है। आज जो इसमें इंग्रेडिएंट्स है तो इसमें है कड़ी पत्ता, ओके कड़ी पत्ता, अदरक लहसुन का पेस्ट है मगर ये मोटा मोटा जैसे कि कुटा हुआ है, ठीक है, कुचला हुआ जी बिल्कुल, और टमाटर है, ओके, प्याज, ओके, पालक है, ओके, हरी मिर्च, बिल्कुल पालक भी है, वो जी पालक भी है, गाजर है, पुदीना, धनिया, शिमला मिर्च ठीक है, वो हमने पहले से ही फुल न्यूट्रिशन वैल्यू बिल्कुल, और इतना माशाल्लाह से ये अच्छा जायका लगेगा कि आप लोग आम रूटीन में भी खा सकते हैं, जबरदस्त, सिर्फ मरीज ही नहीं सब खा सकते हैं, बेहतरीन, ठीक है, कर दें फिर, ठीक है बिल्कुल। गर्म हमने ऑयल लिया है, ऑयल डाले बिल्कुल, अच्छा इसमें और मसालों में खास वो नहीं है कुछ भी, हल्दी है, हसबे जायका नमक और ये काली मिर्च है, बहुत जबरदस्त हो गया जी। ये हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है, हम सबसे पहले हम लोगों ने इसको क्योंकि कड़ी पत्ता ऐड करेंगे, या पहले पतीली रखने में फायदा हो गया वो अच्छे से गर्म हो गए, ठीक है, साथ ही में हम अदरक लहसुन और इसे बिल्कुल पेस्ट करके नहीं डालेंगे, हम कुटावा करके ऐड करेंगे ताकि उसका जो जायका है ना वो भरपूर तरीके से है, फ्लेवर जो है उसके अंदर मिक्स हो जाएगा। और यकीन करिए पहली बार ऐसा जो मैं वेजिटेबल ये कह रही थी बहुत मजे का होता है, तो मैंने कहा हमने ये ज़रूर, क्योंकि हम रूटीन के मुताबिक जो डिशेस बना रहे हैं, लेकिन हम जो इन दिनों बहुत ज़्यादा लोग बीमार हो रहे हैं उनके लिए सोच नहीं रहे, तो ज़रा उनके लिए भी सोचा जाए। इसमें अब हम ऐड करेंगे प्याज ऐड कर देंगे, फिर हरी मिर्च भी दो। अच्छा सारे मेरे आज मेरी तमाम कस्टमर जो फ्रेंड्स हैं ना, ओके, वो लाइव देख रहे हैं और भी मुझे मैसेजेस है, वजह ये है कि मेरी तमाम जो फ्रेंड्स और कस्टमर है ना बहुत ज़्यादा इस वक्त बीमार हैं, ऑर्डर भी करते हैं, इससे बीमार भी बहुत हैं, तो बस फिर हो गया उनके लिए, अब बुकिंग आना शुरू हो जाएगी बिल्कुल। नंबर इनका स्क्रीन पे मौजूद है, नहीं है तो फिर भी आप अनाउंस करते हैं बिल्कुल, मेरा है होगा मेरे ख्याल में, बिल्कुल नंबर है 03232020206। बस इतनी स्पीड से बताओगी तो कुछ भी नहीं याद होगा, राम राम से बताओ, नहीं याद माशा से हो, चल रहा है भाई, चल रहा है, रहने दो रहने दो, कितनी स्पीड से आपने बताया जी। नाजिर हम इसलिए कह रहे हैं कि आपको कन्वीनियंट हो जाए, हम आप लोगों के लिए प्रोग्राम अरेंज करते हैं, सारा ऑर्गेनाइज करते हैं। देखिए हमने प्याज बिल्कुल हल्की से सौते करनी है, ओके, बिल्कुल हर चीज को गला नहीं देना है हमें से, ओके, अब हमने इसमें टमाटर ऐड कर दिए, ओके, मेरी टीम जो है वो कोशिश करती है आपको अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर सकें, सबका बहुत शुक्रिया, क्योंकि कैमरों से जब तक आपको कैप्चर इस चीज़ों को ना किया जब आप तक डिलीवर नहीं हो सकती, बिल्कुल बिल्कुल, ये हो गया भाई। अच्छा इसमें आपने बनाया वो ब्लैक वाली कढ़ाई में बनाते हैं, नजर भी क्लियर आता है, मुझे लग नहीं रहा इसमें असल में दलिया थोड़ा ज्यादा है, अच्छा ज्यादा इसमें वो भी इसमें हो जाता, लेट्स सी, थोड़ा हल्का हाथ रखा करो, एक ही बार इतना सारा लेकर आ जाती, ज्यादा खाने ज्यादा खाइए, ये बहुत अच्छा है, हमने यहाँ देखे नहीं थोड़ी चैनल में चढ़ाने, अब हमने इसमें पालक ऐड की, वाह भाई भाई फुल आयरन होती है इसमें, बहुत प्यारा कटिंग की और इनके हस्बैंड ने कटिंग की यहाँ पर, मैं ये देख रही थी घर पे भी कटिंग, हाँ माशाल्लाह वो खुद भी शेफ है इसलिए मैंने उनको देखती रहती हूँ, उनके साथ बहुत हेल्पिंग हैंड, और ये एक मोटिवेशनल मैसेज होता है वो जो हस्बैंड जो हमेशा शाय फील करते हैं, जिस तरह हस्बैंड अपनी वाइफ के सपोर्टिंग हैंड होते हैं तो वाइफ भी हस्बैंड की सपोर्टिंग हैंड होती है, सेम। और आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो चैनल पर भी हूँ ना उनकी अपने हस्बैंड की, सारे क्रेडिट उनको दे दो, मुझे कुछ ना देना, नहीं पता है आप दलिया खाए आप दलिया भी खाए, और देखिए वीनस जी जो है ना, तो आपका तो साबित जितना भी शुक्रिया अदा करूँ कम है, मगर पता है कि वो एक मुझे जब शौक था ना तो कहते थे मैं तुम्हें इंशाल्लाह जरूर
लेकर जाऊंगा इस फील्ड में, मौका जरूर कहीं ना कहीं से कोशिश करूंगा। और जो इसमें सपोर्ट मुझे किया है, मैं लाइव उनका नाम ले रही हूँ, नाजिया मैम का, जो मुझे यहाँ तक लेकर आई है। बेस्ट फ्रेंड है भाई नाजिया, तुम्हारी तबीयत कैसी है? वो बीमार हो गई थी। हाँ जी, वो भी बहुत बीमार थी। नहीं, गाजर, शिमला मिर्च, ये पुदीना, जबरदस्त, बड़ा ग्रीन ग्रीन हो गया भाई ये तो। ये हरा धनिया, वाओ जबरदस्त। अच्छा ये हम थोड़ा बहुत गार्निशिंग भी करेंगे, इनको काट के मुझे ना दूर से दिखा रहे हैं, देखो। मैंने कहा ओहो जबरदस्त खूबसूरत। अच्छा ये भी होता, प्रेजेंटेशन भी बड़ी काउंट करती है हमारे लिए। अभी और हरी मिर्च एंड में नहीं, अभी हम ऐड करेंगे। ओके, हरी मिर्च ताकि उसमें जायका है ना। ओके, ये दो हरी मिर्च आएंगी। ओके, इसे हमने बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लिया है। नाजिया आप यू मस्ट बी ट्राई एट होम, और अगर नहीं आपसे बन रहा है तो देन ऑर्डर टू मिस राहिला, शेफ राहिला, बहुत जबरदस्त यमी। और जी अब ये मसाले, जी बिल्कुल, अब ये मसाले डालें, नमक, काली मिर्च और हल्दी, गुड, ये ऐड कर दिया, जबरदस्त। आप जरूर ट्राई कीजिएगा, आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है, तो जरा सा अब वैसी खुराक खाएं जो आपकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी पूरी कर सके और खाने में भी मज़ेदार हो। और ये डिफरेंट दलिया खा खा के हम लोग बोर हो गए, अब ये ज़रा सा डिफरेंट सा खाना हम बस, अब हमने इसमें पानी ऐड करके ओके दलिया ऐड कर देना। ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ज़्यादा उबाल दिया आपने, ये कौन सा वाला दलिया? एक तो गेहूँ का होता है, ये गेहूँ नहीं, ये गेहूँ का है, गेहूँ का। ओके जबरदस्त। अच्छा फ्लेम थोड़ी सी हम फास्ट नहीं, जल्दी फास्ट रहेगी। ओके जी, इसको हम फिर बिस्मिल्लाह करके, गर्म हो रहा है बीबी जी, अब बस इसे हमने ऐड करना है। ओके, एक दूसरे स्पून दो या हो रहा है? नहीं, थोड़ा सा गर्म हो रहा है, इसमें हम स्लो करके ऐड करेंगे। इसको इधर ले आओ जी, इस साइड ले आओ। ओके, अब मैं पकड़ती हूँ, आप इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डालने का काम तो हस्बैंड का होता है। अच्छा डालने का काम, ये देखे मेरी क्विक सर्विस, डालने का काम तो हस्बैंड का होता है। ओके, वो आज आपने कर दिया, थैंक यू। ओके, ये हो गया जबरदस्त। इन्होंने बहुत आसानी ये कर दी कि इसको इस तरफ बॉईल कर, हाँ, ताकि इजीली हम अच्छे से इसे। ओके गुड हो गया, जबरदस्त। अच्छा नाज़रीन मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, जब भी हम लोग कुछ ऐसी चीज बना रहे होते हैं तो ज़रूरी है कि आप हर चीज़ को ज़रा सा चॉप कर लें, और इससे ये होता है कि ईजीएस्ट हो जाती है कि हम लोग किसी डिश को मेकिंग कर रहे हैं तो फटाफट क्विकली जो है वो हम ऐड कर लें। अगर नहीं हो तो समटाइम ये होता है कि हम लोग जो है ना जो चीज़ यूज़ करें वो कटिंग में नहीं आती तो हमको प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है, इसको ज़रा सा बहुत ज़्यादा जाहिर बात है इसमें पानी जो है, एक मिनट रुक जाओ, मुझे दो, इसका बहुत ईजी हल है, लाओ मुझे दो। देखो एक ये, इसको हम इसको करेंगे, अब ये इसको मैंने इसमें इसलिए किया क्योंकि मिक्सिंग होने में ये भैया ये होता है वो असल में रबर का है और वो इसको मिक्स करने में, अब इसको दोबारा लगा लीजिएगा, डोंट यू वरी, जैसा मिक्स हो रहा है। ठीक है, डोंट यू वरी, कभी कभी ऐसा भी होता है, हमें लाइव शो है और लाइव शो में कुछ भी हो जाता है। ये देखें जी, ये सब वेजिटेबल्स में। अच्छा इसको ज़्यादा पानी और तो नहीं ऐड करना शहजादी? नहीं, इसमें हम पानी थोड़ा सा ऐड करके और करना जी, बिल्कुल थोड़ा तो गर्म पानी। अच्छा गर्म पानी इसको ऐड करना है, कितना मैक्सिमम? हाफ कप। अच्छा हाफ कप, और ये बिल्कुल भी पतला नहीं होगा। अच्छा, अब इसको आप उस पर शिफ्ट करें। यस, मैं इसको कन्वर्ट करती हूँ। लाएं जी, ये असल में थिक बहुत है, पानी इसमें भी कम है, हम इसको और पानी इसमें ऐड करेंगे, बस हाफ कप, इससे ज्यादा नहीं क्योंकि ये गाढ़ा ही रहेगा। इसको शो कर लें, बिल्कुल मैं इससे सिर्फ गार्निश कर दूं। ओके, आप प्लेट में डालना है? नहीं नहीं, इसी में हम लोग इसमें, अगर इजी इसमें हो जाता है, अगर मैं ये चाह रही हूँ कि ये बड़ा खूबसूरत लग रहा है तो इसको हम इसमें थोड़ा सा साइड पे लगा दें, दिखा दें, बिल्कुल, तो और भी हसीन नहीं लग जाएगा। इसको थोड़ा सा इसमें कर दें, ये इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है जी, ये हो गया, इसको थोड़ा सा डाल दो, बस इतना पता चल जाए कि हमने दलिया बनाया है। ठीक है, इसको इधर ऐड कर लो नाजिन, थोड़ा सा देख लें। बिस्मिल्लाह, मुझे तो ये देखें जी। अच्छा चलो आप कर लो। नहीं आप करो। नहीं नहीं नाजिन, इसको फिर थोड़ा सा और पानी, क्योंकि थिक बहुत है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके ना और मजीद इसको, हर चीज़ जो है बनी हुई, बस इट्स ओके, बहुत हो गया। अच्छा जी ये देख लें, और इसमें ऑलमोस्ट सब चीज़ें ऐड हुई हैं, और ये हो गया, ये दलिया रेडी, दलिया इज अ रेडी। और आप आखिर में चाहें तो इसको कड़ी पत्ते का भंगार भी ऐड कर सकते हैं, मगर बच्चों को डॉक्टर वगैरह इस वक्त जो है
ऑयल वगैरह कम करने का खाने का कह रहे हैं, तो इस वजह से। अच्छा ये एक और चीज़ मुझे बताओ कि राजना, जब आप ये माशाल्लाह इतनी अच्छी, इसी तरह गेहूं का दलिया भी, उसका भी जौ का दलिया, जौ का दलिया भी बिल्कुल सेम थिंग इसी रेसिपी से बनेगा, मगर उसे आपने 2 से 2.5 घंटे पहले ना सॉक करके रख देना है। अच्छा, क्योंकि वो जो है ना उसको बनने में थोड़ा टाइम लगता है। ओके, अच्छा जो हलीम बनती है, हम ये तो चलो सब्जी का हो गया, हलीम जो बनती है, हम जिसे हम दलीम भी कहते हैं जी, और उसका जो एक रेसिपी होती है, हम उसमें क्या क्या चीजें हम लोग इसमें, इसमें मिक्स दालें यूज होती है, जौ बहुत जरूरी होती है, जौ तो बिल्कुल जरूरी होता है। और आजकल तो पता है ज्यादा जो चल रहा है ना ट्रेंड, जो चल रहा है फैमिली में जो लोग है ना, सिर्फ और सिर्फ जौ की हलीम दलीम बना रहे हैं। हलीम तो हमें नाम भी नहीं लेना चाहिए, गुनाह भी है थोड़ा सा, तो दलीम हम कहेंगे। तो जौ की आप दलीम बनाए वो बेस्ट होती है। ओके, और अगर आपने मिक्स दालों की बनानी है तो वो बिल्कुल अलग ही होती है, उसमें बहुत सारी दालें वगैरह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू सो मच। बट अभी इसको हम इंशाल्लाह अभी गर्म है, मैं इसलिए नहीं चख रही, तो लेट्स सी, हम लोग यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ।